वेलकम दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक के GCC पर। आज हम आपके लेके एक और नई वीडियो। आज हम बात करेंगे सोर्स टैग के बारे में कि सोर्स टैग क्या होता है, ये क्यों यूज़ किया जाता है। जो सोर्स टैग होता है वो जो ऑडियो टैग के बीच में यूज़ किया जाता है। ये इस करके यूज़ किया जाता है अगर आपका ब्राउज़र आपका ब्राउज़र MP3 टैग को सपोर्ट करता है तो उसकी फाइल चलाएगा, अगर आपका ब्राउज़र वेब फाइल को सपोर्ट करता है उसकी फाइल चलाएगा। हमने दोनों फाइलों के सोर्स ही अपने प्रोग्राम में दे रखे होंगे। एक और फॉर्मेट होता है OGG, जो भी फॉर्मेट होगा। अगर आपका ब्राउज़र MP3 फॉर्मेट को सपोर्ट करता है तो जे वाली फाइल को वो रन कर देगा, ठीक है। अगर आपका आपका ब्राउज़र जे वाला MP3 फॉर्मेट को सपोर्ट करो नहीं सपोर्ट करता, वो वेब फाइल को सपोर्ट करता है, फिर वो जिस फाइल को रन करेगा। हमने दोनों फाइलें ही सोर्स के थ्रू दे रखी है अपने प्रोग्राम में। अगर इसमें कोई भी फॉर्मेट सपोर्ट करता है आपका ब्राउज़र और आपने उसकी फाइल दे रखी है अपने अपने वेब पेज में, अपने HTML के प्रोग्राम में, वो उसको रन कर देगा, ठीक है। तो अगर एक और फॉर्मेट होता है OGG, आप OGG भी दे सकते हो इसी तरह कि सोर्स OGG आपकी फाइल का नेम, अगर उसको सपोर्ट करता तो उसको दे देगा, ठीक है। सोर्स टैग इस करके यूज किया जाता है कि जब हम आपके अपने मल्टीपल फाइल्स के रेफरेंस देने हैं अपने प्रोग्राम में, सोर्स देने हैं, और आपका ब्राउजर जिस भी फॉर्मेट को सपोर्ट करेगा वो उसको रन कर देगा। टाइप का मतलब क्या होता है कि ऑडियो है, MP3 है, ऑडियो है, वेब है, ठीक है। उसके बाद एक मैसेज होता है, इसका मैसेज का क्या मतलब, जैसे ये मैसेज लिखा हमने ऑडियो टैग के बीच में कि योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द ऑडियो एलिमेंट। अगर आपका ब्राउजर ऑडियो टैग को सपोर्ट नहीं करता तो आपकी स्क्रीन पे मैसेज जे वाला आ जाएगा, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद एक कंट्रोल्स भी हमने देखे थे कि कंट्रोल्स जे वाला एक प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट है ऑडियो टैग का। इसका काम क्या होता है, जो आपकी स्क्रीन पे वो आता है, पॉज आता है, वॉल्यूम आता है, ठीक है, रिज्यूम आता है, कुछ भी जो आता है, जो कंट्रोल्स शो आते हैं आपके आपके वेब पेज में HTML के प्रोग्राम में, वो इस वजह से आता है। प्रोग्राम की आउटपुट देख लेते हैं। ये देखो, हम इसको प्रोग्राम को रीलोड किया, ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया, ठीक है। तो इस वजह से ये वाले कंट्रोल किसकी वजह से आए हैं, कंट्रोल्स एट्रीब्यूट की वजह से। देखो, हमारा प्रोग्राम रन भी हो गया, हमारी जो ऑडियो थी वो रन हो गई सक्सेस। हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम था। अगर आप इस प्रोग्राम में कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन पर जरूर प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।